बिसम अल्लाम फ़र्स्ट ईयर कम्प्यूटर साइंस चैप्टर नंबर वन ओवर यू ऑफ कम्प्यूटर सिस्टम तो आउटपुट डिवाइसिस के बारे में हमने स्टार्ट किया है हम प्रिंट uh, मोनीटर uh, के बारे में पढ़ चुके हैं कि मोनीटर प्रोड्यूस सॉफ्ट कापी आउटपुट डिवाइस मेन द रिजल्ट आफ मीटर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर द सॉफ्ट कॉपी इज प्रोड्यूस बाय द मोनीटर तो हम टू टाइप्स ऑफ मोनिटर पढ़ चुके हैं के दो डे ट्यूब एंड एल सी डी आज हम पढ़ेंगे प्रिंटर तो प्रिंटर इज़ आल्सो आउटपुट डिवाइस इट प्रोड्यूस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी इट प्रोड्यूस आउटपुट एज अ हार्ड कॉपी अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दट प्रोड्यूस टेक्स एंड ग्राफिक्स ऑन फिजिकल मीडियम फिजिकल मीडियम मीन कागज़ पर सच एस पेपर प्रिंटेड इंफॉर्मेशन इज ऑफन कार्ड हार्ड कॉपी बिकॉज इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट फिजिकली फिजिकली एग्जिस्ट करता है कागज़ के फार्म में प्रिंट आउट हमें मिलती है एंड इज मोर परमानेंट फार्म ऑफ आउटपुट दैन देट प्रेजेंटेड ऑन अ डिसप्ले डिस परमानेंट होती है मतलब हमारे हाथ में होती है द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ अ प्रिंटर इज यू एक्सप्रेस इन पेजेस पर मिनट प्रिंटर रेजोल्यूशन इज ओपन एक्सप्रेस इन डी पी आई डॉट पर इंच प्रिंटर रेजोल्यूशन कितने हैं मतलब कितने डॉट्स हैं एक करेक्टर बनाने के लिए कितने डॉट्स की जरूरत होती है तो जितनी डी पी आई ज़्यादा होगी उतनी अच्छी क्वालिटी की प्रिंटें होंगी लार्जर इज़ द नंबर हायर इज़ द रेजोल्यूशन तो प्रिंटर रेजोल्यूशन मीन किसी प्रिंटर के कितने उसमें पर इंच कितने डॉट्स वो प्रोड्यूस करते हैं तो अगर एक इंच में ज़्यादा डॉट प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब भी बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रिंट आउट निकलेगी तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर जो नाइसी प्रिंटर होते हैं जिसकी क्वालिटी कम होती है जो ज़्यादातर शॉपिंग मॉल में प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं वो दरअसल आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर होते इसलिए कि इस की जो प्रिंटआउट होती है वो बेक साइड पे भी उस वो नज़र आती है तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है एन इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट एन इमेज जो है प्रेसिंग एन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर रिबन को पेपर पर प्रेस किया जाता है यूजिंग पेन्स और हैमर पिन होते हैं या हैमर्स होते हैं छोटे छोटे कि वो इमेज का शेप बनाते इट वर्क्स लाइक अ टाइप राइटर पुराने ज़माने में टाइप तो राइटर होते विच यूज ए स्मॉल हैमर छोटे छोटे हैमर्स होते हैं टू स्ट्राइक द रिबन हैमर कहते हैं हथौड़े को तो छोटे छोटे हथौड़े तो उसको नहीं कहा जामर का मतलब तो हथौड़े हैं लेकिन हथोड़े जिस तरह हथोड़े को ज़रब दी जाती है इसी तरह ये छोटे छोटे डॉट्स को ज़रब दी जाती है ईच हैमर इज़ एम्बोस्ड विद शेप ऑफ़ एन अल्फ़ामेरिक करेक्टर जो हैमर होता है वो दरअसल एक अल्फा अल्फ़ामेरिक करेक्टर की तरह होते हैं मतलब जो जो आपके पास हैमर है जो हथौड़ा हाँ है ए का हथौड़ा हाँ बी का हथौड़ा हाँ सी का सब का हर एक का हैमर होता है तो उस वो दबाया जाता है पेपर पर जिसकी वजह से उसकी शेप बनती है कम कॉमन टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर आ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर रिजल्ट हो इम्पैक्ट प्रिंटर ये नॉइस ही होते हैं प्रिंट आउट की क्वालिटी कम होती है और रफली प्रिंट आउट इसके निकलते हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं शॉपिंग मॉल्स में अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर दिय प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बाय स्ट्रिकिंग पिनस पिन्स की स्ट्रिकिंग की जाती है पिनस जो है वो दबाए जाते हैं अगेंस एन इंक रिबन इंक रिबन के ऊपर वो पिनस दबाए जाते हैं टू प्रिंट क्लोजली स्पेस डॉट्स छोटे छोटे डॉट्स किसी भी करेक्टर को फॉर एग्जाम्पल ए को प्रिंट कर रहे हैं तो छोटे छोटे डॉट्स मिलकर ए प्रिंट करेंगे इन द अप्रोप्रिएट शेप किसी खास शेप में ए बी सी किस में द प्रिंटर रिसीव द डेटा फ्राम द कंप्यूटर ये प्रिंटर डेटा उसको कौन देता है कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट इन टू आइडेंटिफाई विच करेक्टर इज टू बी प्रिंटेड और फिर वो देखता है किस करेक्टर को प्रिंट करना है एंड द प्रिंटिंग डॉट ऑन द पेपर फिर वो डॉट सी के फॉर्म में डॉट इस तरह प्रिंट करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वेरी इन टर्म ऑफ स्पीड इन द नंबर ऑफ पिन दे है इनकी मुख्तलिफ़ अकसाम है स्पीड के लिहाज से और पिन्स के लिहाज से द नंबर ऑफ पेंस विच कैन बी वेरी नाइन टू ट्वेंटी फोर नाइन से लेकर ट्वेंटी फोर पिन हो सकते हैं तो ट्वेंटी फोर वाला बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट निकालेगा डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द प्रिंट जॉब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हर कॉमनली यूज फॉर प्रिंटिंग इन वॉइसिस इन के लिए परचेज ऑर्डर के लिए शिपिंग फॉर्म्स के लिए इन लेबल्स के लिए ज़्यादातर कंपनी शॉपिंग मॉल में ये इस्तेमाल होते हैं ड्रम प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है नॉइसी है अच्छी क्वालिटी की प्रिंट आउट नहीं निकालता ड्रम प्रिंटर में एज जो करेक्टर होते हैं वो इनग्रेव होते हैं वो एम्बोस होते हैं व्हील पर तो उसके नीचे इंक रिबन होती है तो जैसे ही उस करेक्टर को प्रेस किया जाता है तो वो करेक्टर प्रिंट हो जाता है दिस प्रिंटर अ फिक्स फॉन्ट करेक्टर फिक्स फॉन्ट करेक्टर एक ही फॉन्ट है एक ही स्टाइल करेक्टर होगे मतलब मुख्तलिफ़ प्यारे प्यारे करेक्टर के फॉन्ट नहीं होंगे स्टाइल नहीं होंगे इनग्रेव्ड ऑन टू नंबर ऑफ प्रिंट व्हील्स व्हील्स होते हैं इस तरह और हर एक व्हील पर करेक्टर एम्बोस्ड होते उभरे हुए द व्हील ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्ज ड्रम और व्हील जो है इस तरह जॉइन करके एक बड़ा ड्रम बनाते स्पिन एट हाई स्पीड और वो मुसलसल स्पिन करता है एज द डिज़ायर करेक्टर फॉरिज कॉलम पास इज द प्रिंट पोजिशन जैसे ही जो डिज़ायर करेक्टर है जिसको प्रिंट करना है डिज़ायर करेक्टर जब वो पास करता है प्रिंट पोजिशन पर अहमर एक हथोड़ा उस पर जरब लगाता है तो वो फिर एक फ्रॉम द रियर फ्रंट साइड पे विच प्रेसिस द पेपर अगेंस्ट द रिबन एंड द ड्रम काजिंग द डिजायर करेक्ट टू बी प्रिंटेड ऑन द कंटिन्यूस पेपर अ फुल सेट ऑफ हैमर डिलीवर्स हंड्रेड 600 लाइन्स पर मिनट ऑफ आउटपुट एंड अ हाफ सेट ऑफ हैमर्स डिलीवर थ्री हंड्रेड लाइन पर मिनट मतलब एक मिनट में थ्री हंड्रेड लाइन जो है वो प्रिंट कर सकता है चेन प्रिंटर जिस तरह के नाम से जाहिर है कि इस तरह चेन लगा होता है और उस पर करेक्टर एम्बोस्ड होते हैं और रिबन लगी होती हैं और रिबन के बाद पेपर रखी जाती है तो जैसे ये मूव करता है और जो डिज़ायर करेक्टर होता है वो प्रिंट पोजीशन पे प्रिंट हो जाता है अचैन प्रिंटर यूज़ अ प्रिंटिंग मैकेनिज्म देट यूज़ करेक्टर टाइप फेस लिंक्ड मतलब जो करेक्टर टाइप करना है उसी फेस पे वो लगे होते हैं इन चेन द चेन स्पिन हॉरिजेंटल ये भी बिल्कुल ड्रम की तरह हॉरीजेंटली क्या करता है स्पिन करता है मूव करता है अराउंड अ सेट ऑफ हैमर्स अलाइन विद ईच पोजिशन वेन द रिक्वायर्ड करेक्टर इज टू इन इज इन फ्रंट ऑफ सेलेक्टेड प्रिंट पोजिशन हैमर इन देड पोजिशन हिट्स द पेपर फिर हैमर क्या करता है हथौड़ा उस पर हिट करता है तो नीचे पेपर होता है उसके ऊपर कार्बन और फिर ये करेक्टर और हैमर करेक्टर को दबाता है जिसकी वजह से प्रिंट आउट वो करेक्टर प्रिंट हो जाता है